चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जिसका खंड ना हो, ये वर्ण है, इसका कोई खंड नहीं होता है, जिसका खंड ना हो। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ये वर्णमाला की कुल संख्या है 52। कितनी है? 52। तो ये 52 जो है वर्णमाला, इसको हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। अब ये कौन कौन है यहाँ हम लोग देखेंगे। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, आयोग वाद वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, अन्य वर्ण, ये 5 भाग में हम लोग बांटते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11। अभी कौन कौन है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये है अह आ, इ ई, उ ऊ, रि, ए ऐ, ओ औ, ये है स्वर वर्ण। अभी हम देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता दी जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता दी जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। कितनी है? 33। अब ये कौन कौन है यहाँ हम लोग देखेंगे। का खा ग घ अंग, चा छ ज छ इं, टा ठा ड ढ अन्न, ता था द ध न, पा था बा भा म, या रा ला व तालव्यश मूर्धन्य दंस हा, ये है व्यंजन वर्ण। अगर इसको हम गिनती करते हैं तो ये संख्या में कितनी है? 33। आगे हम लोग देखेंगे आयोगवाद वर्ण। तब देखेंगे आयोगवाद वर्ण किसे कहते हैं? तो आयोगवाद वर्ण जो है ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, परंतु इनका उपयोग प्रयोग जो है दोनों में होता है, स्वर वर्ण में भी होता है और व्यंजन वर्ण में भी होता है। तो आयोगवाद वर्ण जो है संख्या में 2 है, वे हैं अंग आ। कौन कौन से हैं? अंग आ, ये है आयोगवाद वर्ण, इनकी संख्या 2 है। आगे देखेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे अक्षा जो है, यहाँ पर ये अक्षा जो है 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना है, और वे हैं का भी व्यंजन है प्लस यहाँ पर देखेंगे मूर्धन्यसा, ये भी व्यंजन है, ये दोनों वर्ण मिलकर अक्षा बना है, इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या है 4। अब वे कौन बने यहाँ पर देखेंगे अक्ष तरा ग्या स्रा, ये है व्यंजन वर्ण। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अक्षा जो है 3-2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अक्षा जो है का हलन चोड़ मूर्धन सा मिलकर अच्छा बना है। इस तरह यहाँ पर देखेंगे त्र, त्र जो है ता हलन जोड़ ना मिलकर त्रा बना है। इस तरह यहाँ पर देखेंगे ग्या, ग्या जो है जा हलन जोड़ इया मिलकर ग्या बना है। उस तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पर श्र, श्र जो है तालव्य हलन जोड़ ना मिलकर श्र बना है। तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, इनकी संख्या 4 है। आगे देखेंगे अन्य वर्ण। अन्य वर्ण की संख्या 2 है, वे हैं अड़ और ढ, ये जो है अन्य वर्ण, जिसके लिए